का स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, इन सभी के छात्र हैं, तो आपके लिए दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनल एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं, और दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है कि किन किन गतिविधियों के अब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। सो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों 22 दिसंबर की, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर पल पल के अपडेट्स के लिए उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि फाइनल ईयर के जो पेपर है आपके 10th और 12th के, वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको पहली अपडेट, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्र 10% बढ़ेंगे, 3 किलोमीटर के दायरे में होंगे प्राइवेट स्टूडेंट के सेंटर। विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा जारी होने वाले एडमिट कार्ड विद्यार्थियों के संबंधित स्कूलों में भेजे जाएंगे, जहाँ वही स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कुछ खास बातें जो आपको यहां पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला, 10वीं एवं 12वीं कक्षा करीब 18 लाख छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म जमा किए हैं। 2020 में यह परीक्षा 3,864 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 18 फरवरी, 12वीं की 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों आपके लिए, मासिम ने परीक्षा परिणाम को बेहतर करने के लिए सत्र 2021-22 के परीक्षा पैटर्न में ही बदलाव किया है। प्रश्न पत्र में अब 40% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ हो गए, पूर्व में इनका प्रतिशत 20% था। इसके अलावा बड़े यानी 5 से 6 अंकों के प्रश्नों की संख्या भी घटाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार यह बदलाव किया गया है। इस साल अब तक 10वीं एवं 12वीं कक्षा के करीब 18 लाख छात्रों ने परीक्षा फॉर्म जमा की है। लंबी दूरी के कारण प्राइवेट छात्र होते हैं परेशान। 19 में प्राइवेट छात्र छात्राओं के परीक्षा केंद्र 10 से 12 किलोमीटर दूर तक बनाए गए थे, इस कारण विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान होना पड़ा था। इस साल अभी तक 19 लाख से अधिक छात्र परीक्षा फॉर्म जमा कर चुके हैं। वासिम ने छात्र को विशेष विलम्ब शुल्क ₹10,000 के साथ परीक्षा शुरू होने के 1 माह पूर्व तक फॉर्म जमा करने की सुविधा दी है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। अभी इसमें बताया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE की तर्ज पर लागू होगा सेमेस्टर प्रणाली। मध्य प्रदेश की 10वीं की वार्षिक परीक्षा में छात्रों को हर गतिविधि के मिलेंगे नंबर। अगले सत्र 22-23 से CBSE की तर्ज पर मध्य प्रदेश बोर्ड में सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। इस बार में 2 बार परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश की 10वीं की वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों की हर गतिविधियों के नंबर मिलेंगे। इसमें खेल सहित अन्य बिंदु शामिल रहेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग कार्य योजना बनाने की तैयारी में जुट गया है। स्कूलों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समूचे पाठ्यक्रम का अच्छे से रिवीजन कराए। ये परीक्षाएं मार्च से अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग इस सत्र से 13 साल बाद 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू करेगा। बोर्ड परीक्षा इसी सत्र 21-22 से शुरू होगी। वहीं 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में अगले सत्र से हर गतिविधि के नंबर जुड़ेंगे। इससे अब विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन होगा। और दोस्तों आपके जो फाइनल जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, वो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक या मिड जनवरी में आपके यहाँ पे फाइनली आ जाएंगे, मतलब कि 8 या 10 जनवरी के आसपास आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। प्राइवेट वाले छात्र आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 10वीं और 12वीं के छात्र जो नियमित यहाँ पे दौर से स्कूल में जाते हैं, वो अपने स्कूल से जाके संबंधित स्कूल से जाके अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम आपका यहाँ पर जवाब हर जवाब देंगे। दोस्तों वीडियो के लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।